जी हिंद दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बड़ी भर्ती 2019 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये भर्ती निकाली गई थी लास्ट मंथ के अंदर और ये भर्ती आपकी 3206 पदों के लिए निकाली गई है जिसमें की भिन्न प्रकार की पोस्ट निकाली है। तो अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको एलिजिबिलिटी की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। पहले आप वो वीडियो वॉच कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्टर का। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप चाहे तो इनको रीड कर सकते हो। और आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको राइट टिक कर देना है और इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अब अपनी रजिस्ट्रेशन की जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले आपको टाइटल चूज कर लेना है, आप मिस्टर हो, मिसिज हो या फिर MS हो। तो यहाँ से मैं मिस्टर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम अपना फिल कर देना है और यहाँ पर आपको जो पूरा नाम है वो अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। जो भी आपका नाम 10th की मार्कशीट के अंदर है स्पेलिंग आपको सही करके यहाँ पर लिख देनी है। अपना जेंडर यहाँ से आपको चूज कर लेना है, मेल या फीमेल। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर भरना है क्योंकि उसके ऊपर मैसेज जाएगा। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भर देनी है, ईमेल आईडी भी आपको वर्किंग ही भरनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है और उस पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। पासवर्ड आपको ऐसा भरना होगा जिसके अंदर स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और एक डिजिट और इसके अलावा स्पेशल वर्ड भी यूज होना चाहिए। यहाँ पर अब आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना होगा, इनमें से आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हो और चूज करने के बाद यहाँ पर आप उसका आंसर दे सकते हो। जो भी आपका मन चाहे ऐसा आंसर आप यहाँ पर दे सकते हो और उस आंसर को आपको यहाँ पर री रजिस्टर यानी कि दूसरी बार टाइप कर देना है, यानी कि कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो जानकारी भी आपने यहाँ पर फिल की है उसको एक बार अच्छे से चेक करना है क्योंकि आपको ये डिटेल्स जो आप एक बार सबमिट कर दोगे दोबारा एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लगे कि ये जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर करे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यानी कि लॉगिन आईडी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड भी मिल जाएगा और जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो उसका आंसर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट माई लॉगिन पर क्लिक करके। और आपको डिटेल सेव करने के बाद क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी भरनी है जो कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिली है। इसके बाद आपको वो पासवर्ड भरना है जो कि आपने अभी चूज किया है। ये करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ये मैंने डिटेल्स पहले से फिल करके रखी है, पर आपके सामने जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में इनकम्प्लीट लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। इसके सामने जो कम्प्लीट का ऑप्शन, इनकम्प्लीट का ऑप्शन आपके सामने होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो मेल है यानी कि जो सॉरी आपका जो जेंडर है वो यहाँ पर दिया गया है जो कि आपने चूज भी कर लिया है। इसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर फिल कर देना है। फादर नेम भी आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मदर नेम यहाँ पर भर देना है। यहाँ से आपको इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार से आपको अपना मंथ चूज करना है, यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है जो भी आपके बर्थ का ईयर है और यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वैवाहिक स्थिति यानी कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड और अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड। इसके बाद आपसे आपकी राष्ट्रीयता पूछी जा रही है, नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पर इंडियन के ऊपर क्लिक कर देना है।
आपका क्षेत्र कैसा है, अर्बन एरिया है या फिर रूरल। तो मैंने यहाँ पर रूरल सिलेक्ट किया है, आपको भी अपने एरिया के अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक करके, जैसे आप क्लिक करके तो ये आएगा, आपको ओके कर देना है और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भर देना है। मैं आपको बताता हूँ कि इनरोलमेंट नंबर क्या होता है। इनरोलमेंट नंबर वो होता है जब आप आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उस वक्त आपको एक कच्ची स्लिप के तौर पर एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। आपके आधार कार्ड में आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं होता, उसमें आपका आधार कार्ड नंबर होता है। तो अगर आपके पास वो स्लिप है और आप एनरोलमेंट नंबर भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आधार नंबर भरे, क्योंकि वो सबके पास होता है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है शरीर प्रदर्शनीय पहचान निशान, यानी कि विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, और ये ऑप्शन आपको फिल ही करना होगा, यानी कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके अगर बॉडी पर कोई ऐसा पहचान योग्य निशान है, किसी को चोट लगी है घुटने पर या फिर कहीं पर आपके बॉडी पर तिल है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे आप उसको हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में लिखे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तिल ऑन माई चीक। तो आप इस प्रकार से आपका जहाँ पर भी निशान है वो उसको टाइप कर सकते हो। इसके बाद इफ एनी FIR इज लोड पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, बेसिकली आपसे ये पूछ जा रहा है। तो आपको यहाँ पर यस और नो के अंदर आंसर दे देना है। तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से दी गई है, तो आपको बस अभी जो जानकारी भी आपने फिल किया उसको चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगी व्यवहार का पता, यानी कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की जानकारी देनी होगी। सबसे पहले पूछा जा रहा है घर नंबर, गली, क्षेत्र, हाउस नंबर, स्ट्रीट एरिया, और कहा गया है कि इस बॉक्स के अंदर आप क्षेत्र में शहर जिले का नाम ना लिखें, यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपको अपने जिले या शहर का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी गली या फिर आपको कोई जो पॉइंट है जिससे आपके घर की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद आपसे आपका सिटी, टाउन, विलेज पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भर देना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से हो, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यानी कि हरियाणा के बाहर से हूँ। इसका मतलब ये भी है कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप हरियाणा से नहीं है तो आप तब BA फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में भर देना है। अपनी तहसील भर देनी है, जो भी आपके तहसील है, और पिन कोड आपको यहाँ पर दे देना है, चाहे अपने विलेज का या फिर चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट का, जिस जिस पिन कोड से भी आपके पास आपका पोस्ट आता है। ये भरने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने आरक्षण की जानकारी आ जाएगी। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप हरियाणा राज्य के निवासी है, अगर आप है तो आपको यस करना है, और अगर आप यस करोगे तो जैसे कि मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, तो यस करने के बाद आपसे अगला जो सवाल है वो पूछा जा रहा है, क्या आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट था। तो अगर आपके पास था तो आपको यस कर देना है, और अगर आपके पास नहीं था तो आपको नो कर देना है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप नो करोगे तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए के योग्य नहीं होंगे, कि क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आपके पास 10th में या तो हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, अगर आप हरियाणा से हो तभी आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर क्या आप हरियाणा के राज्य के निवासी है, तो अगर आप यहाँ पर नो करोगे तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में रखे जाओगे, चाहे आप दूसरी स्टेट के किसी भी कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर आओगे। तो यहाँ पर मैंने नो चूज किया है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी आ चुकी है। इसके बाद आपसे आपकी कास्ट पूछी जा रही है, जो भी आपकी कास्ट है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, या आपको खुद भरनी होगी, कोई चूज नहीं करनी है। इसके बाद आपसे आपका धर्म पूछा जा रहा है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो नीचे आरक्षण की जानकारी है, ये उन कैंडिडेट उनके लिए एक्टिव हो गई ये ऑप्शन, जो लोग यहाँ पर क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी है इसके अंदर यस करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर यस किया तो यस करते ही ये ऑप्शन एक्टिव हो चुकी है, और यहाँ पर हरियाणा राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए कुछ जानकारी दी गई है। एक है सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन, इसके तहत बहुत से लोगों को फायदा मिलेगा जो कि हरियाणा से है, ये इसका फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जो हरियाणा के बाहर से है। तो यहाँ पर एक जो पहला ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इफ एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट फादर, मदर, स्पोस, ब्रदर एंड सन इज वाज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्ट्रेचरी बोर्ड, सॉरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या आपके परिवार में से कोई, चाहे आपका फादर हो या चाहे आपका आपकी माताजी हो या आपके भाई हो या आपके पति या पत्नी हो या फिर आपका बेटा हो, इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है। तो अगर किया है तो आपको यस कर देना है, और अगर नहीं किया है तो आपको नो कर देना है।
तो ये एक कंडीशन है, अगर आपके परिवार में से कोई इन डिपार्टमेंट में काम करता है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, अगर नहीं करता है तो आपको उसका फायदा 5 नंबर के रूप में मिल सकता है। इसके अलावा इफ एप्लीकेंट विडो, अगर आप विधवा हो तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और अगर आपके पति 42 साल की उम्र से पहले मर चुके हैं और आपके 2 चाइल्ड है तो आपको यहाँ पर यस कर दे रहे हैं। और बाद में आपको उनके सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और वो आपको कहाँ से डाउनलोड करने होंगे, किस प्रकार से भरने होंगे और कहाँ से बनवाने होंगे, इसकी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तीसरा ऑप्शन है, अगर आप इन जाति से बिलोंग करते हो जो कि हरियाणा की होनी चाहिए, क्योंकि ये जाति ना तो SC में आती है ना ST में आती है, तो इसके रूप में भी आपको 5 नंबर का फायदा मिल सकता है। तो ये उन लोगों को भरने हैं जो लोग हरियाणा का यहाँ पर ऑप्शन चूज करते हैं कि आप हरियाणा से हो, बाकी कैंडिडेट्स को ये फिलअप नहीं करने हैं। तो मैं यहाँ पर नो करने वाला हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से नहीं हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और डिस्क्लेमर पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इसी प्रकार से कर देना है। अब आपसे आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जा रही है। सबसे पहले आपसे आपकी 10th क्लास पूछी जा रही है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एडिट के ऊपर क्लिक करना है जो कि आपकी 10th है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आपने किस स्टेट से अपनी 10th पास की है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन यानी कि शिक्षा विशेषता आपको चूज करनी है, तो यहाँ पर आपको जनरल चूज कर लेनी है। इसके बाद नेम ऑफ सर्टिफाइंग बॉडी, आपने किस बोर्ड से अपनी 10th पास की है, आपको इनमें से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आपको अपना माध्यम चूज कर लेना है, आपने किस मीडियम से अपनी 10th पास की है, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज कर लेना कि आप अपने मार्क्स ग्रेडिंग टाइप में भरना चाहते हो या फिर मार्क्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मार्क्स चूज कर लेना है, और जैसे ही आप मार्क्स चूज करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ कितने में से आए थे, तो यहाँ पर ये मुझे 600 में से आए थे यानी कि 600, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद आपको परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी कौन सी डिवीजन आई थी, तो मेरी फर्स्ट डिवीजन थी। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मार्कशीट पर तारीख, डेट ऑफ मार्कशीट, आपको यहाँ पर वो डेट भरनी है जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन है। आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है, उसके ऊपर जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपको अपना डे सिलेक्ट करना है, ईयर सॉरी मंथ सिलेक्ट करना है इसके बाद, और उसके बाद आपको अपना ईयर भर देना है कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास की थी। अब अगला ऑप्शन है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो पुराने फॉर्म निकले हैं जैसे कि पुलिस का फॉर्म हो या पटवारी का हुआ, करनाल पटवारी का हुआ और ग्राम सचिव का होगा, तो इसमें आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि यहाँ पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि कैसे पता करें कि हमारे 10th में उस साल में कब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसकी डेट क्या थी। तो कुछ लोगों को इसमें फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी के पास भी इसका सटीक आंसर नहीं होगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इसके अंदर कुछ जैसे कि आपकी जो मार्कशीट पर तारीख है वो 13 जून 2010 है, तो आपको इसके 1 महीने पहले की डेट यहाँ पर भर देनी है। अंदाजे से कोई फिक्स नहीं होनी चाहिए, अगर आप 1 महीने के पहले की अंदाजे डेट भरोगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि किसी के पास भी सटीक डेट नहीं होगी। और इसके ऊपर अगर आप विस्तार से जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है इसी के ऊपर, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें कि आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि कैसे हम इसके अंदर जानकारी फिलअप करें। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर देखिए हरियाणा SSC भर्ती 2019 मार्कशीट पर तारीख, नतीजों की घोषणा की तारीख। तो ये वीडियो 8.5 मिनट की है, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ ताकि आप इसको वॉच कर लें जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल के इस स्टेप के अंदर आओ, और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है ये सभी जानकारी भरने के बाद। और जैसे कि आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी 12th की जानकारी यहाँ पर ऐसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करके भरनी होगी। यहाँ पर भी आपके सामने सेम ऑप्शन आएगा और सेम तरीके से आपको ये सभी जानकारी भर देनी है। यहाँ पर भी आपसे डेट ऑफ मार्कशीट पूछी जाएगी, आपको अपनी 12th की मार्कशीट चेक करनी है, और इसी प्रकार से आपकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन पूछी जाएगी। तो आप जैसे ही वीडियो वॉच कर लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको यहाँ से क्या भरना है, और करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से आपकी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की योग्यता मांगी गई है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो ये भर्ती निकाली गई थी एलिजिबिलिटी की, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो वीडियो चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसिप्लिन के अंदर पोस्ट निकाली गई है। पोस्ट जो जूनियर इंजीनियर की है पर वो अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर निकाली गई है। तो आपको अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा के ऑप्शन पर चूज करके
जैसे एडिट पर क्लिक करके अपने डिप्लोमा की जानकारी भर देनी है। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से जानकारी भरनी होगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। शिक्षा विशेषता, आपके किस डिसिप्लिन के अंदर आपकी डिप्लोमा है, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपने जो अपनी डिप्लोमा किया है वो बोर्ड से किया है या फिर यूनिवर्सिटी से किया या अदर से किया है, तो मैंने यूनिवर्सिटी से किया तो यहाँ पर मैंने चूज कर ली है। इसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम दे देना है। सर्टिफिकेट स्तर, यानी कि आपकी जो डिप्लोमा है वो आपने 10th के बाद किया था या फिर 12th के बाद किया था, तो मैंने 12th के बाद किया था तो मैं यहाँ पर 12th चूज कर लेता हूँ। इसके बाद प्रमाणन का प्रकार, सर्टिफिकेट टाइप क्या है, बेसिक है, एडवांस है, जनरल है या स्पेशल है, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है अपने सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने मार्क्स के तौर पर इसी प्रकार से अपने नंबर भर देने हैं, जैसे कि आपने 10th और 12th की जानकारी फिलअप की है, ऐसे ही आपको डेट भरनी है और इसी प्रकार से आपको अपना रिजल्ट की जानकारी देनी है। और करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे वेबसाइट रिफ्रेश होगी और आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे फिर से आपके सामने सेम प्रोसेस से ये ऑप्शन ओपन होगा। आपको इसी प्रकार से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, आपकी एजुकेशन क्या है, बी बीटेक है, बीएससी एग्रीकल्चर है, जो भी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। स्पेशलाइजेशन चूज करनी है कि आपने किस डिसिप्लिन के अंदर की है और आपने किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट से किया उसका नाम देना है, और इसी प्रकार से बाकी यहाँ पर आपको नंबर फिलअप कर देने हैं। डेट ऑफ मार्कशीट और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये भी आपको देना होगा, और आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि आपने बाकी जानकारी के अंदर सेव पर क्लिक किया है। अब इसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ से भरना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो इमेज यहाँ पर अपलोड करोगे, पहले तो उसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपका इमेज है आपके इमेज के ऊपर आपके सिग्नेचर होने जरूरी है। अगर आपके इमेज के ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो आप कर लीजिए और उसको करने के बाद स्कैन करके यहाँ पर दे दीजिए। साथ ही एक आपके मन में सवाल ये भी, क्या उसके ऊपर डेट भी होना चाहिए? तो डेट वैसे तो नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है, मैं आपको यहाँ से नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ, और उसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलेगी वो दी गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट दी गई है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य। तो यहाँ पर एक है स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, तो यहाँ पर दिया गया, ये नहीं दिया गया कि इसके ऊपर डेट भी होनी चाहिए। तो अगर आप डेट नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको साइन जरूर कर देने हैं अपने इमेज के ऊपर जो आप यहाँ पर अपलोड करने वाले हो, चाहे इमेज के ऊपर करने या फिर आपको अपना इमेज एडिट करके उसके नीचे यहाँ पर आपको थोड़ी सा स्पेस दे करके अपने साइन कर देने हैं, और करने के बाद ही आपको यहाँ पर वो इमेज अपलोड करना है। तो मैंने आपको बता दी है, अगर आप डेट लिखते हो आपका अच्छा है, पर वो जरूरी नहीं है, पर सिग्नेचर जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है उसका खाली सिग्नेचर यहाँ पर आपको चूज फाइल करके इस प्रकार से जहां पर भी आपकी फाइल है, अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अपनी गैलरी से चूज कर लेना है, अगर पीसी से तो पीसी से। करने के बाद आपको फाइल चूज करनी है, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर चूज करता हूँ और यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर आ जाएगा। जैसे ही आ जाए आपको लगे कि बिल्कुल सही है, अगर आप क्रॉप करना चाहते हो, रिसाइज करना चाहते हो, कर सकते हो। और ये करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी, यानी कि जहां पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी होगी। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पहले ये चेक कर लेना है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा है या फिर नहीं मांगा है। अगर मांगा है तो आपको यहाँ पर एड न्यू एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना होगा, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको उसका नाम यहाँ पर दे देना है। किस पोस्ट पर है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। अनुभव का प्रकार क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यानी कि जिस कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है, वो डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, स्टेचुटरी बोर्ड है, कमीशन है, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, जो भी इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना, या फिर प्राइवेट है या फिर अदर है। तो ये आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, जिस डेट से आपने वहाँ पर वर्क ज्वाइन किया था और कब तक आपने वहाँ पर वर्क किया है वो डाल देना है। अगर
आप अभी भी वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर आपको टिल टुडे ही रहने देना है। इसके बाद बस आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जानकारी सेव हो जाएगी, जैसे कि मेरी जानकारी पहले से ही यहाँ सेव है। ये भरने के बाद दोस्तों बस अब आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में किसी भी पोस्ट पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और ना ही जरूरी है, तो आपको इसको खाली छोड़ देना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके बाद अब आप क्लिक करोगे तो अब आती है कुछ मेन जानकारी, तो मैं आपको बता दूं अगर आप दूसरी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो यानी कि हरियाणा से अलग स्टेट से, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रेफर एनेक्सर E1, यानी कि ये क्या है। तो इसमें अभी जो पुराने फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं उनमें बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पर आप हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या कौन सा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अपलोड करना है, तो मैंने आज ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया गया है HSSC भर्ती सर्टिफिकेट, तो इसमें मैंने वीडियो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यानी कि जो लोग वो 5 नंबर पाने के हकदार है वो सर्टिफिकेट उनको कहाँ से बनवाना होगा, जिनके फादर की डेथ हो चुकी है उनका सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, नो गवर्नमेंट जॉब सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, और इसके अलावा एक जो अभी मैंने ये आपको बताया है सेल्फ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बारे में पूरी जानकारी दी है जो कि 13 मिनट की वीडियो है, तो ये आपको वीडियो वॉच करनी है उसके बाद आपको समझ में आएगा। और रही बात जो आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर दिया गया है रेफर एनेक्सर E1, तो जैसा कि भी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो ये है एनेक्सर E1, तो आपको ये फिलअप करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर पहले ही अपलोड कर रखे कुछ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको ये अपना नाम देना है, आपके सन या फिर डॉटर का नाम देना है ऑफ में करके, इसके बाद एज आपकी कितनी है, रेजिडेंट हो, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट फिलअप करनी है, दैट आई एम टू अप्लाई फॉर दी पोस्ट, और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम देना है, अगेंस्ट कैटेगरी हो किस कैटेगरी के अंदर आती है जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा और मैं आपको आगे बताने वाला भी हूँ उसका, उस कैटेगरी का नाम आपको देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा था, तो ये 10/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। डेट भर देनी है, यहाँ पर आपको अपनी इनमें से कोई एक ID भर देनी है, और भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर अपना पैलेस डेट और वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, वेरीफाई डेट द कंटेंट्स ऑफ ऑल द अबव पैराज आर ट्रू टू माय नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसर्ट दियर इन, यानी कि इसके अंदर कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो गलत है। तो आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर कराना होगा, आप अपने गांव से सरपंच का सिग्नेचर करा सकते हो ताकि ये वेरीफाई हो जाए, और ये तभी वैलिड माना जाएगा तब इसके ऊपर जब उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे। तो अगर आप तहसीलदार से इसके ऊपर सिग्नेचर करा सकते हो तो वो करा लेना, अगर वो संभव नहीं है तो आपको अपने सरपंच से सिग्नेचर करा लेने हैं, वो भी वैलिड माने जाएंगे, और उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको अच्छे से और भी अच्छे से जानकारी चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, बाद में जाकर के मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, थोड़ा ही बताया और उसके अंदर मैंने इसके बारे में जानकारी दी है। और ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको अपलोड कर देना है, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो है 10th की मार्कशीट, यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड कर देनी है, यहाँ पर आपके अपलोड का निशान आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन चूज किया तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है जिस भी डिसिप्लिन के अंदर आपने की है, उसके बाद आपको अपनी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो कि 3 साल का होना चाहिए वो आपको अपलोड कर देना है, और करने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना यहाँ पर जांच लिंक पर क्लिक करके कि आपके द्वारा अपलोड किए डॉक्यूमेंट सही भी है या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा से हरियाणा की स्टेट के हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड किया जाएगा जो कि है अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो कि सेल्फ मजिस्ट्रेट के बारे में है। अगर आपने दूसरी भर्ती के फॉर्म फिलअप किया तो आप जान चुके होंगे, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ये है हरियाणा पुलिस फॉर्म में सबसे पहले इसका नाम आया था जो कि एफिडेविट अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये उन लोगों को यहाँ पर अपलोड करना होगा जो कि हरियाणा स्टेट से है, क्योंकि उनमें ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, उनमें यही आएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है एफिडेविट अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर्मेट। तो ये कैसे फिलअप करना है, कहाँ से बनवाना है, इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर दी है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस जो वीडियो आप देख पा रहे हो इसमें शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको वॉच कर लें और आप इसको जान लें कि किन के लिए जरूरी है और कैसे आपको ये फिलअप करना है।
इसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो जाए, आपको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपकी जो 7 नंबर की पूरी मतलब 7 पॉइंट है वो फिलअप हो जाएंगे, जिसके अंदर आपकी पूरी जानकारी आ चुकी है। मैंने यहाँ पर दोस्तों जितनी भी जानकारी अभी आपको दी है, इस कोई भी जानकारी मैंने मिस नहीं किया। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले पटवारी का फॉर्म फिलअप किया है, कॉन्स्टेबल SI का फॉर्म फिलअप किया है, और कनाल पटवारी का फॉर्म फिलअप किया है, और ग्राम सचिव का किया है, तो उसमें कुछ जानकारी मेरे से छूटी थी। उन सभी का एक्सपीरियंस मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। जितनी भी मुझे जानकारी हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और कोई भी जानकारी नहीं छूटी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी ये फॉर्म समझने में कि किस ऑप्शन के अंदर क्या फिलअप करना है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा दिस एप्लीकेशन फॉर्म हैज फिल्ड बाय मी, क्या आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके द्वारा फिलअप की गई है, तो आपको यस और नो में चूज करना है, तो आपको यहाँ पर यस चूज कर देना है। इसके बाद चूज करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दो, आपको फिर से यहाँ पर नीचे आना है और व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरी टैब के अंदर आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया है वो सामने आ जाएगा। आप यहां से अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हो। जैसे कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो, आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पर इसको अभी अगर PDF फाइल के रूप में सेव करना चाहते हो कर सकते हो, बाद में आप इसको प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी इसको PDF फाइल के रूप में सेव कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। तो चलिए ये मैंने यहां पर सेव कर लिया है। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर व्यू प्रोफाइल के ऊपर फिर से क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने फिर से प्रीव्यू आ जाएगा, तो आपको उसको एक बार फिर कैंसिल कर देना है। अब आपको क्या करना है, प्रिंट डिक्लेरेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रिंट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने प्रिंट डिक्लेरेशन का एक जो PDF है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली वेबसाइट की तरफ से। पर अगर आपके सामने ये ना आए तो आपको अपना ही चेक कर लेना कि जो पॉपअप आता है आपके ब्राउजर के अंदर वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर वो ब्लॉक है तो आपको उसको अलाउ कर लेना है। आपको क्या करना है, जैसे ही डिक्लेरेशन आपके सामने आ जाए आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद यहां पर इसमें एक आपको सिग्नेचर की जगह दी गई है। मैं इसमें थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हो यहां पर दिया है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो बस आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको फिर से स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको यहां पर नीचे आना है और अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट के पर क्लिक करना है। और जहां पर भी आपने वो फाइल डिक्लेरेशन की स्कैन करके रखी है, आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां से एक रैंडम इमेज ही अपलोड करने वाला हूं, तो मैं इसको यहां पर ओपन कर देता हूं, और फिर आपको अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आ जाएगा दी फाइल हैज बीन अपलोडेड। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है पोस्ट के लिए अप्लाई, तो आपको अप्लाई टू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर जितनी भी पोस्ट निकाली गई है वो आप देख सकते हो, यहां पर सभी पोस्ट की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहां पर पहले तो ये चेक कर लेना कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि मैं जो पहली पोस्ट है सर्वाइवर इंस्ट्रक्टर, इसके ऊपर व्यू पोस्ट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूं, और जो यहां पर एलिजिबिलिटी है वो है कि AICTE रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास, या तो ये योग्यता होनी चाहिए जिसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो टीचिंग के अंदर, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या उसके बराबर कोई योग्यता। तो आपको यहां पर ओके करना है, और फिर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आपको उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन है अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, और फिर यहां से आपको ओके कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर आ जाएगा डिड यू अप्लाइड प्रीवियसली फॉर दी एडवर्टाइजमेंट, क्या आपने पहले जब ये भर्ती या फिर पोस्ट निकाली थी इस पर अप्लाई किया था। अगर आपने किया था तो आपको येस के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर अदर डिटेल्स है जैसे कि हैव यू कंप्लीटेड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स CITC इन रिलेवेंट ट्रेड, अगर आपने किया है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको अनटिक रहने देना है। डू यू पोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन पास्ड विद मिनिमम 70% मार्क्स, अगर है तो आपको इसके ऊपर टिक, नहीं तो अनटिक रहने देना है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, और फिर यहां से आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ये कर दोगे तो आपके सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों जैसे आप उस पोस्ट पर अप्लाई के सामने क्लिक करते हो जिस पर आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो मैच करती है, तो यहां पर आ जाएगा यू सक्सेसफुली अप्लाइड, प्लीज क्लिक ऑन दी अप्लाइड पोस्ट प्रिंट फ्रॉम लिंक अवेलेबल ऑन दी लेफ्ट साइड मेन्यू टू व्यू डिटेल्स, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आपको यहां पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर आना है आवेदन शुल्क जमा करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आ जाएगी, और साथ ही जो एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है वो भी आ जाएगी।
पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि जिसके माध्यम से आप ये एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप ये एप्लीकेशन फीस मैनुअल चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हो जो कि इन बैंक के अंदर होने चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन माध्यम से करना चाहते हो जैसे कि PNB अकाउंट होल्डर ओनली, पेमेंट गेटवे, या फिर पेमेंट गेटवे फॉर नेट बैंकिंग ओनली, तो आप इनके माध्यम से कर सकते हो दोस्तों। पर इसमें यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा लोग इसके अंदर एप्लीकेशन फीस जमा करते हैं वो मैनुअल चालान के माध्यम से करते हैं, और अगर आप CSC वॉलेट के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से आपको करनी है वो कर देनी है। आपको यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड पर क्लिक करना है और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर जाना है, और यहाँ पर आपको फिर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, फिर ही आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। दोस्तों, अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने जो मेन पेज है वो आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर आपकी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके बाकी की जानकारी फिलअप कर देनी है। मैं इस फॉर्म को पर्सनली नहीं भर रहा हूँ, इसी वजह से मैं एप्लीकेशन फीस जमा नहीं कर सकता, पर फिर भी इसके आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने तो बहुत सारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जितनी भर्ती निकली है उसके फॉर्म फिलअप किए होंगे, साथ ही आपने एप्लीकेशन फीस भी जमा की है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो गई होगी। तो दोस्तों, ये थी आपकी जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती 2019 के बारे में, जो कि आपकी 3200 कुछ पदों के लिए निकाली गई है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।